नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफेक्सिम ओरल सस्पेंशन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बात करेंगे सेफेक्सिम ओरल सस्पेंशन के बारे में, जो कि दोस्तों ये जीफी है, जीफी 50 ड्राई सिरप के नाम से मार्केट में आता है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप इसे खरीद सकते हैं, लेकिन जो इसका फॉर्मूला रहता है वो दोस्तों सेफेक्सिम रहता है ओरल सस्पेंशन आईपी 50 mg पर 5 ml में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया ये मार्केट में कितने का मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों मार्केट में आपको ये 48 रुपए का आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसे बाई कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं और इस चैनल पे आपको दवाइयों से जुड़ी जानकारी और हेल्थ से जुड़ी जानकारी देता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं भाई कि ये कैसे यूज़ किया जाता है। बच्चों में इसका यूज़ ज़्यादा होता है दोस्तों, क्योंकि वो टैबलेट नहीं ले पाते हैं, इसलिए उन्हें ये सस्पेंशन दिया जाता है। दोस्तों इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करें तो ऐसे आप खोलेंगे, जब इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको एक स्टराइल वाटर मिलेगा जो कि 25 ml है। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, स्टराइल वाटर है 25 ml, और एक बोतल मिलेगी जिसमें क्या होगा, सेफेक्सिम का ड्राई पाउडर होता है। ठीक, ये ऐसी होती है, आप लोग देख सकते हैं, ये दो चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों बात करें कि भाई ये जो सेफेक्सिम है, इसमें जो मेडिसिन पड़ी हुई है, ये आखिरकार है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिफाइलोस्पोरिन क्लास की एंटीबायोटिक एक मेडिसिन होती है। दोस्तों सेफेक्सिम एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। बात करें इसके उपयोग के बारे में, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका उपयोग बच्चों के केस में बहुत ज़्यादा किया जाता है दोस्तों, तो इसका उपयोग अगर मान लीजिए आपके शरीर में बैक्टीरिया से किसी प्रकार का संक्रमण हो गया है बच्चे में, तब इसका उपयोग डॉक्टर करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब मूत्र मार्ग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरिया के कारण, या फिर स्किन पे कभी कभी बच्चों के इन्फेक्शन हो जाता है तब डॉक्टर देते हैं। कान से आपने देखा होगा कि पस निकलता रहता है, मवाद जैसा निकलता रहता है येलो कलर का या फिर वाइट कलर का, तो उस केस में भी लोग डॉक्टर करते हैं। हड्डियों से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया है, ब्लड से संबंधित कोई संक्रमण हो गया है, या फिर पेट में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया है, फेफड़ों जिसको दोस्तों निमोनिया कहते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो दोस्तों उस केस में इसका उपयोग किया जाता है। और भी दोस्तों इसका उपयोग है, टैबलेट दोस्तों दी जाती है उन्हें, जैसे महिलाएं हैं तो उन्हें टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है अगर मान लीजिए कि महिलाओं के जननांगों में बैक्टीरिया से किसी प्रकार का संक्रमण हो गया है, तो थोड़े समय के इलाज के लिए उनको सेफेक्सिम की टैबलेट डॉक्टर देते हैं। और जो दोस्तों इसका टैबलेट नहीं ले पाते हैं उन्हें सस्पेंशन प्रिस्क्राइब किया जाता है। और दोस्तों इसका उपयोग सर्जरी के बाद भी किया जाता है। सर्जरी के बाद इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों सर्जरी के बाद संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए ये जो सस्पेंशन है ये दिया जाता है जिससे संक्रमण नहीं होता है। टाइफाइड फीवर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कई सारे मल्टीपल यूजर्स हैं फ्रेंड्स के, डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में रिकमेंड करता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए आप ये बाय कर लेते हैं तो इसका यूज़ कैसे करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है क्योंकि इसके साथ में ये पाउडर की सीसी एक मिल जाती है आपको, और एक दोस्तों 25 ml का स्टराइल वाटर मिलता है। करना क्या है आपको, पैकेजिंग पे लिखा हुआ है लेकिन सब लोग इसे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको ये बता दूंगा। दोस्तों क्या है कि ये जब बोतल आप खरीद के लाएंगे तो इस पर एक लाइन सी बनी हुई है, वो दिख नहीं रही है क्योंकि वो पतली सी लाइन बनी हुई है, वाइट वाइट है क्योंकि वाइट बोतल ही है दोस्तों, इसकी पतली सी लाइन बनी हुई है। इस लाइन तक क्या करना है आपको, इसमें स्टराइल वाटर पूरा मिक्स कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और इसको अच्छे से सेक कर लेना है। सेक करने के बाद में दोस्तों ये आपको जो आप ये पूरा सॉल्यूशन इसको आप बना लेंगे, जब सेक करना है हिला लेना है, सेक करने के बाद में जब इसका आप सॉल्यूशन बना लेंगे तो दोस्तों इसका जो यूज़ है वो आपको लिमिटेड टाइम में करना पड़ेगा। मतलब आप इसको ज़्यादा देर तक ऐसे घोल के नहीं रख सकते, 7 दिनों के अंदर आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप इसको पूरा मिक्स कर लेते हैं तो।
फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि कितनी मात्रा में आप बच्चों को पिलाएंगे। तो दोस्तों देखिए, बच्चे की एज बॉडी वेट पे डिपेंड करता है कितनी मात्रा, लेकिन 2.5 ml दी जाती है, और छोटा अगर बच्चा है तो इससे कम भी आपको देना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों जो डोज होता है वो डॉक्टर से पूछ कर ही देना चाहिए, क्योंकि एक सही डोज वही बता सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो साइड इफेक्ट इतनी जल्दी नहीं देखा गया है, लेकिन दोस्तों कभी कभी मतली या फिर उल्टी की शिकायत हो जाना, पेट में दर्द महसूस हो सकता है, डायरिया की दिक्कत, या फिर एलर्जी भी इस दवाई से आपको हो सकती है, जिससे आपकी स्किन पे रैश या फिर चकत्ते टाइप के देखने को मिल सकते हैं, या फिर इचिंग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सेफ्टी एडवाइस की। तो अगर इससे एलर्जी है तब इसका उपयोग ना करें, किडनी की अगर दिक्कत है तब इसका उपयोग ना करें। तो दोस्तों ये था वीडियो हमारा सिफेक्सिम सस्पेंशन का, ओरल सस्पेंशन का। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।